हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू पढ़ाई मेड इजी। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का क्लास 10th का थर्ड पार्ट है। अब तक हमने जो है इसके दो पार्ट किए हैं, और पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से जब नेपोलियन भाई साहब अपना राज्य का प्रचार प्रसार कर रहे थे, दूसरे देशों में भी, दूसरी जगहों पर भी कब्जा कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ कि लोगों का मिक्स रिएक्शन है, क्योंकि जो नेपोलियन की पॉलिसी थी कहीं कहीं लोगों को कुछ थोड़ा सा पसंद आई और कहीं कहीं लोगों को थोड़ा सा नापसंद आई। पसंद आने का कारण जो है लिबर्टी, फ्रीडम, ऐसी ऐसी नई बातें जो थी वो जो है बाकी के देश सुन रहे थे, वो भी भाई फ्रांस के रास्ते सुन रहे थे, तो उन लोगों को लगा कि नहीं। अब फ्रांस में उन्होंने देखा भी था कि किस तरीके से बदलाव आया, तो लोगों को लगा अच्छा है कि चलो ये भाई साहब आएंगे तो हमारे यहाँ भी बदलाव आएगा। राजा लोग से वैसे भी सब परेशान थे, एकदम से ऊब गए थे एकदम। तो लेकिन कुछ लोग जो है इस बात को मतलब अच्छे से नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उनको कुछ बातें अच्छी नहीं लगी। जैसे जब जर्मन क्या है जर्मन के कुछ रीजन्स में फ्रेंच लोग, फ्रेंच आर्मी मूव कर जाती है, तो वहाँ पे मतलब भाई सीधी सी बात है तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाने लगते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से सेंसरशिप लगाई गई, फिर किस तरीके से जो है लोगों की लाइफ कंट्रोल करने की बात जो है धीरे धीरे जो है नेपोलियन जो है बोनापार्ट करने लगा, है ना। हमने देखा था इसमें कि किस तरीके से धीरे धीरे जो मिक्स रिएक्शन था लोगों का, वो अब हॉस्टिलिटी में फ्रेंच आर्मीज के प्रति बदलने लगा था। फ्रेंच आर्मी के लोगों को के प्रति अब जो है जर्मन पीपल या फिर और बाकी की जगहों के लोग थोड़ा मिक्स रिएक्शन रखने लगे थे, अब मतलब पसंद नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है आखिर में। यहाँ पे एक पेंटिंग है ना, ये पेंटिंग जो है जर्मनी के एक पेंटर ने बनाई है, जिनका नाम है कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज नाम के एक पेंटर हैं। ठीक है, इस पेंटिंग में हुआ क्या है, ज्वेब्रुकेन नाम का एक शहर है जर्मनी में, वहाँ पे वो जो है भाई फ्रेंच वाले लोग बड़ा अपना सिंबल उम्बल लेके जाते थे कि यही कि लिबर्टी का सिंबल है, ये फ्रीडम का सिंबल है, बड़ा झंडा वंडा दिखा रहे थे। तो वो लोग कहे आओ हम भी दिखाते हैं तुमको, बड़ा जो है लिबर्टी और फ्रीडम का झंडा दिखा रहे हो, जर्मनी वाले हैं हम, आओ तुमको हम भी दिखाते हैं। तो जो है मतलब एकदम से जर्मनी वाले बौखला गए, तो कहने लगे कि आओ तुम क्या जानो आखिर में लिबर्टी फ्रीडम का मतलब, फ्रांसीसी बाबू थोड़ी सी फ्रीडम हम भी सिखा देते हैं तुमको, है ना। और इस तरीके से यह पेंटिंग में देख सकते हैं कि द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर पेंटिंग जर्मन पेंटर कार्ल कास्पर फ्रिट्ज इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ ज्वेब्रुकेन बाय द फ्रेंच आर्मीज। मतलब ये जो पेंटिंग है किस सब्जेक्ट पर बनाई गई है, कि किस तरीके से फ्रेंच आर्मी ने जर्मनी के ज्वेब्रुकेन नाम के शहर पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, और इसमें देखा जा सकता है फ्रेंच सोल्जर्स को देखा जा सकता है ब्लू एंड वाइट रेड यूनिफॉर्म में है। ठीक है, और उनको दिखाया गया है कि वो लोग जो है अत्याचार कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, है ना, लोगों के ऊपर डंडे वंडे बरसा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और जो है इसमें दिखाया गया है कि क्या नाम है बाकी के जो बेचारे जो है जर्मनी के गाँव वाले हैं, पीजेंट हैं, किसान हैं। ठीक है, और जो है सेंटर फोरग्राउंड में दिखाया गया है कि क्या नाम, एक पूरा गाँव का किसान का इलाका जो है क्या कर रहा है, जो है एक प्लेक, एक पेड़ टाइप का बीच में लगा रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे बीच में क्या कर रहा है, पेड़ टाइप का बीच में लगा रहा है। वो इस पेड़ को क्या नाम देता है, ट्री ऑफ लिबर्टी, है ना। कहता है कि अब फिर फ्रांस के लोगों से कहता है फ्रांसीसी पर, फ्रांसीसियों निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, हैं हम खुद से अपनी आज़ादी जी लेंगे, अपनी आज़ादी ले लेंगे, और अगर तुमको चाहिए तो थोड़ी सी आज़ादी हमसे भी लेके जाओ। और इस तरीके से मतलब जो है जर्मनी के लोग फ्रांस के लोगों के ऊपर थोड़ा सा मतलब गुस्से वाला माहौल बन जाता है, थोड़ा अब जो है जो मिक्स रिएक्शन था वो धीरे धीरे हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेंच लोगों को पसंद करना लोग बंद कर देते हैं। अब आ जाते हैं 18th सेंचुरी यूरोप की बात करते हैं। 18th सेंचुरी अगर यूरोप को देखोगे ध्यान से, तो ये यूरोप का मैप है। ठीक है, 18th सेंचुरी यूरोप का मैप है, इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें कहीं आज के जो तमाम देश है ना दिखाई नहीं पड़ेंगे। जैसे फ्रांस तो दिख रहा है, लेकिन ना तो आपको कहीं इटली दिखाई पड़ेगा, ना आपको जर्मनी दिखाई पड़ेगा, है ना। इसमें जो है तमाम जो वेनेसिया, हंगेरी, पता नहीं कौन कौन से जो है देश है, इसमें देखो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, हंगेरी भी उसमें ऑस्ट्रियन एम्पायर का एक पार्ट हुआ करता था, है ना। तो अब ऐसे में भाई धीरे धीरे क्या हो, लोगों के अंदर नेशनल आइडेंटिटी नहीं थी। इसका कारण क्या है, उस समय जो पूरा ही पूरा यूरोप था, वो पूरा का पूरा यूरोप जो है एम्पायर में, किंगडम में, डचीज में, कैंटन में, कुछ इस तरीके से बटा हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि ये सब चीज़ें क्या है। तो धीरे धीरे जब लोगों के अंदर नेशनल आइडेंटिटी पैदा होने लगी, लोग ये सब क्या था कि अगर मियाँ ऑस्ट्रियन एम्पायर की बात करें,
ये ऑस्ट्रियन एम्पायर में जो है जो लोग रहने वाले थे इसमें अल्पाइन रीजन के लोग रहा करते थे, है ना। ये क्या नाम है इसमें क्या नाम है बोहेमिया, ये सब तमाम जो है इन सब जगहों के लोग रहा करते थे, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि ये एक पूरी तरीके से ऐसी स्थिति थी कि लोग अपने आप को जो है किसी देश से जोड़ के नहीं देख पा रहे थे। एक ही एम्पायर में बहुत सारे अलग अलग जो है लैंग्वेज के स्पीकिंग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, बहुत सारे अलग अलग एथनिसिटी के ग्रुप के लोग हुआ करते थे। जैसे अगर हम यहाँ पे क्या बात करें, क्या नाम है ये ओटोमन एम्पायर है, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है ना, इसे होली रोमन एम्पायर भी कहते थे, है ना। या फिर इसे हैब्सबर्ग, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर को हैब्सबर्ग एम्पायर भी के नाम से भी जाना जाता था। तो इस तरीके से ये क्या स्थिति थी कि इसमें मतलब हर भाषा बोलने वाले, थोड़ा जर्मन स्पीकिंग भी लोग थे। अब अगर ये होली रोमन एम्पायर वाला इलाका देखोगे बाद में जर्मनी में कन्वर्ट हो जाएगा ये इलाका, ठीक है। तो मतलब इसमें हर तरीके के लोग थे, जर्मन स्पीकिंग लोग भी थे, फ्रेंच स्पीकिंग लोग भी थे, और तमाम अलग अलग छोटी छोटी भाषाएं बोलने वाले भी लोग थे। मतलब लोग अब एक दूसरे को इसमें यहाँ पे कॉमन आइडेंटिटी के साथ नहीं देख पा रहे थे। यही चीज़ धीरे धीरे जब कॉमन आइडेंटिटी लोगों के बीच में भावनाओं के रूप में जब विकसित होने लगी तो क्या हुआ, हम ये वाला यूरोप देख सकते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे बड़ा सा जर्मनी दिख रहा है, ऑस्ट्रिया हंगेरी अलग जो है कंपेयर्ड बुल्गारिया बन गया है ना, और इस तरीके से यहाँ इटली भी बन गया है। देखो इटली इटली को ध्यान से देखो, इटली जो है यहाँ पे पहले दो अलग अलग हिस्से में हुआ करता था इटली, ठीक है। ये एक जो है नेपल्स और ये एक था सिसिली, इन दोनों को एक्चुअली में टू द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज भी इटली को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक लैंडलॉक्ड जो है मतलब एक तरीके से पेनिनजुलर पार्ट था और ये आइलैंड पार्ट था, ये दोनों ही सिसिली कहलाते हैं। आइलैंड में एक्चुअली में सिसिली क्या है, सिसिली नाम का एक ज्वालामुखी है, उसी के नाम पर पड़ा है। सिसिली नाम का एक जो है ज्वालामुखी है, सिसिली नाम का एक आइलैंड है उस पर एटना नाम का ज्वालामुखी है, सॉरी, ठीक है। तो उसी क्या नाम है सिसिली आइलैंड के नाम पे जो है इसे दो आइलैंड्स के रूप में जो है देखा जाता था। फिर बाद में जब इटली का भाई अपने लैंग्वेज के आधार पे, अपनी जो एथनिसिटी के आधार पे, अपनी समानता के आधार पे जब यूनियन हुआ तो ये वाला पूरा हिस्सा ये मिला के ये इतना पूरा क्या बन गया था, इटली बन गया था। तो देखेंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे यूनिफिकेशन की बात होती है, किस तरीके से जो है धीरे धीरे अपना जो है यूरोप का जो रंग बदलता है, यूरोप के जो है जो एम्पायर थे, जो डचीज थे, किंगडम्स, वो धीरे धीरे किसमें नेशन में बदलने लगे थे। अब आइए देखते हैं 18th सेंचुरी यूरोप की क्या स्थिति थी। द कंट्रीज दैट वी सी टुडे इज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स। अगर हम जो है आज के जितने भी कंट्रीज हम देख रहे हैं, चाहे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, सबको देखें तो ये सब किसमें बटे हुए थे, किंगडम्स में, डचीज में, कैंटन्स। अब ये क्या है, कैंटन क्या होता है, इट इज़ अ सब डिविजन ऑफ टेरिटरी फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हम लोग क्या कहते हैं अपने यहाँ जिला कहते हैं ना, पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिले में बांट दिया जाता है राज्य को, तो ये क्या हो गया, कैंटीन हो गया। डचीज आर द टेरिटरीज विच आर रूल्ड बाई ड्यूक और डचेस, जहाँ पे राजकुमार या फिर जो है राजकुमारी अपना राज चलाया करती थी उसे क्या कहते थे, डचीज कहा करते थे। किंगडम क्या होता था, जहाँ राजा रूल करता था, है ना। और जो है एम्पायर क्या हुआ करता था, जहाँ उससे भी बड़े राजा महाराजा जो है रूल किया करते थे। तो इस तरीके से क्या है, मतलब ये अलग अलग इस तरीके से बटा हुआ था, और वहाँ पे उस समय जो है लोग अपने आप को भाषा के आधार पे, एथनिसिटी के आधार पे जोड़ नहीं पा रहे थे। आधार तो खैर अब भारत में आया है, है ना, भारत आधार तो अब आया है, है ना। नो नेशन स्टेट्स बिकॉज यूरोपियंस नेवर सॉ देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर। द हैब्सबर्ग एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया हंगेरी कंप्राइज्ड फ्रेंच, इटालियन एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल। और हैब्सबर्ग एम्पायर की बात करें तो उसमें कौन कौन से लोग थे, फ्रेंच लोग भी थे, फ्रेंच बोलने वाले भी थे, इटालियन बोलने वाले भी थे, जर्मन बोलने वाले भी थे, है ना। यूरोप और ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इस समय जो है पूरे यूरोप की अगर बात करें तो पूरा यूरोप दो अलग अलग क्लासेस में बटा हुआ था। दो क्लासेस मतलब मेनली दो क्लास थे, ठीक है। अब वो दो क्लास कौन से थे आगे देखते हैं। पहला क्लास था एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब ऐसे समझ सकते हो हमारे यहाँ जो है कह सकते हैं कि जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, जैसे एक दो हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिवीज़न है ना, जैसे नेता हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, मंत्री हो गए, और दूसरा क्या हो गया, गवर्नमेंट का डिवीज़न है जिसमें क्या नाम है अधिकारी लोग आते हैं, एसपी हो गए, क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, है ना। तो ये इस तरीके से जो ये वाले जो लोग हैं एरिस्टोक्रेसी के क्लास में जो है आते थे उसमें। द लैंड ओनिंग क्लास, ये बेसिकली उसमें क्या थे, जमींदार थे, पैसा जो है ज़्यादा जमीन के पास हुआ करती थी। न्यूमेरिकली स्मॉल, हालांकि नंबर में बहुत कम, बट डोमिनेटेड यूरोप, लेकिन पूरे यूरोप में
में इनका जो है भौकाल चलता था, सब पूरे यूरोप पे कब्जा था इनका। एक मतलब एक तरीके से ये लोग हर किसी की अपनी बातों को मनवा लेते थे, बहुत सोशली एंड पॉलिटिकली। मतलब ऊपर तक इनकी पहुंच थी, राजा लोगों तक इनकी पहुंच थी और जनता के ऊपर धौंस थी, तो मतलब एक तरीके से बीच में मजे ले रहे थे। स्पोक फ्रेंच, ज़्यादातर फ्रेंच बोलते थे। क्यों? क्योंकि उस समय फ्रेंच सब में लोगों की भाषा मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था जो फ्रेंच बोलता है वो अमीर है, बड़ा आदमी है। जैसे आज के टाइम में अंग्रेजी का हाल है ना, कि अगर चार अक्षर अंग्रेजी का बोलना आ गया तो मतलब बहुत समझदार लड़का है, अगर चार उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता तो लाइक वाक उसको औते नहीं खे, है ना। गांव में लोग कहते हैं तुरा के अंग्रेजी नहीं खिया। और तो मतलब इस तरीके की स्थिति जो है वहाँ पर भी थी। फ्रेंच बोलने वाले लोगों को अच्छा माना जाता था। स्पोक फ्रेंच विच वॉज कंसिडर द लैंग्वेज ऑफ हाई सोसाइटी। मतलब आज के समय में देखो ना, शहरों में चले जाओ, बड़े शहरों में, तो क्या नाम है, जो खास करके अगर हाई सोसाइटी के लोग रहेंगे तो बच्चों को जो है मतलब अंग्रेजी में ही समझाते हैं। एनी वे दैट्स देयर चॉइस, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। लोग मतलब एक तरीके से क्या है कि एक अक्सर जो है भाषा को अपना वो बना लेते हैं, एक स्टेटस बना लेते हैं। जैसे अगर हम अंग्रेजी की सच्चाई की बात करें तो अंग्रेजी आज जो उसकी सच्चाई है वो कि क्या नाम है, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पर कभी ऐसा भी वक्त था कि अंग्रेजी भी एकदम गई गुजरी भाषा मानी जाती थी। वही ये वक्त था जब फ्रेंच को जो है और डच एक लैंग्वेज हुआ करती थी, है ना, जो क्या नाम है, इधर यूनाइटेड किंगडम और पुर्तगाल और इन सब इलाके में थोड़ा बोला जाता था। तो एक्चुअली में वहाँ पे अंग्रेजी को बहुत बुरा मानते थे, पर धीरे धीरे भाई विलियम शेक्सपियर पैदा हुए और अंग्रेजी बहुत पॉपुलर बन गई। आज अंग्रेजी हम सब पढ़ते हैं। और खैर एनीवे, हम मुझे भी बहुत पसंद भाषा, बहुत ही पसंद है अंग्रेजी। पीजेंट्री, दूसरे लोग जो हुआ करते थे वो क्या थे, पीजेंट्री यानी किसान थे। टेनेंट्स एंड स्मॉल लैंड ओनर्स, है ना, मतलब किराएदार टाइप के लोग, छोटे जमींदार, हु वर्कड एज सर्व्स। सर्फ मैंने पीछे समझाया था क्या थे, कि जो जमीन से जुड़े हुए नौकर हुआ करते थे उन्हें सर्फ कहते थे। मतलब जमीन बिकी तो उनके साथ वो भी जाएंगे, जिसके यहाँ जमीन पहुंची हुई उसी जमीन पे वो नौकर भी काम करेगा। कल्टीवेटेड द लैंड्स ऑफ एरिस्टोक्रेटिक लॉर्ड्स, वो लोग एरिस्टोक्रेटिक लॉर्ड्स की जमीनों को के ऊपर खेती करते थे, साथ में उनके खेती करने के लिए उनको अपनी फ्री में सेवाएं देते थे और साथ में ऊपर से कुछ टैक्स भी देते थे। मतलब आम के आम, गुटलियों के दाम, हर तरीके से जो है मजा लेते थे एरिस्टोक्रेटिक लोग। द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड राइज ऑफ कमर्शियल क्लास ऑफ ट्रेडर्स। अब धीरे धीरे भाई 18th सेंचुरी वो जमाना था जब क्या हुआ कि दुनिया में व्यापार बहुत तेजी से बढ़ने लगा, है ना, बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा। तो एक तीसरा क्लास उभर के आ गया, वो कौन सा था, ट्रेडर क्लास, जो पैसा कमाया बिजनेस व्यापार करके, है ना, सामान इधर उधर करके, इधर उधर कुछ बेच बाज के खूब पैसा कमा लिया। तो ये एक नया क्लास उभर के आ गया। कॉन्सिक्वेंटली न्यू कॉन्शियस एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास इमर्ज। और एक लिबरल मिडिल क्लास, लिबरल का मतलब जिसको लगता था कि नहीं भैया हमको भी आज़ादी होनी चाहिए, है ना, ये गलत हो रहा है हमारे साथ में, खाली मजा लेने के लिए एरिस्टोक्रेटिक लोग थोड़ी ना है, मजा हम भी ले सकते हैं, है ना। तो ये लोग थोड़ा सा मतलब जो है पढ़ लिख लिए थे, समझदार बन गए थे, तो इनको लगा कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे मतलब नेशनलिज्म नाम की जो भावना थी, जो टर्म था, राष्ट्रीयता की भावना, ये इस बात को लेके पहले जो है पहुंचने वाले लोग थे, जो धीरे धीरे लोगों के अंदर भरने लगे। एंड स्टूड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी, और सबसे पहले जो है इस बात को करना शुरू कर दिए कि नहीं भैया एरिस्टोक्रेसी तो खत्म होनी चाहिए, ये बहुत गलत है और हमको भी जो है बराबर का हक मिलना चाहिए, है ना। तो ये नया क्लास था जिसने बराबरी के हक की बात शुरू की। लिबरलिज्म एंड लिबरल्स एंड लिबरलिज्म, अब इसमें दो टर्म आता है, मतलब एक लिबरल और लिबरलिज्म आता है, एक कंजर्वेटिव आता है, कंजर्वेटिज्म आता है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर में ये कौन से लोग थे। तो उस समय यूरोप में ये दोनों तरीके के लोग थे। आम जनता को अगर हम ऐसे डिवाइड करें विचारधारा के हिसाब से, सोच के हिसाब से अगर हम लोगों को डिवाइड करें, तो दो तरीके की सोच वाले लोग थे, एक थे लिबरल्स और दूसरे थे कंजर्वेटिव्स। तो ये लिबरल कौन हुआ करते थे, देखते हैं। लिबरल मींस इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। बेसिकली लिबरल्स लोग अपने आप को क्या मानते थे, कि वो लोग मानते थे कि भैया कि व्यक्तिगत आज़ादी लोगों को मिलनी चाहिए, सबको कानून के बराबर सामने जो है बराबर माना जाना चाहिए, है ना। और गवर्नमेंट बाय कंसेंट मतलब गवर्नमेंट बने भी तो हमसे पूछ के बने, मतलब जैसे आज के समय में हो रही है, जनता वोट देती है, सरकारें बनती है ना,
फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मार्केट्स में जो है फ्रीडम होनी चाहिए कि कोई भी सामान बेचे कोई भी खरीदे। एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो है छोटे छोटे राज्य जो अपना रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि हमारे राज्य में तुम ही सामान ले बेचने नहीं लाओगे, लाओगे तो पैसा ज़्यादा दोगे। तो इस तरीके की स्थिति जो हुआ करती थी, ये थोड़ा सा जो है मतलब लिबरल लोग पसंद नहीं करते थे, तो इसको हटाने की बातें कर रहे थे। लिबरलिज्म बिकेम द मेन कंसर्न इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन बिकॉज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वॉज नॉट ग्रांटेड टू द पीपल बाय द नेपोलियन कोड, मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमेन वर डिनाइड द राइट टू वोट। एक और लिबरलिज्म की बात है, फ्रेंच रिवोल्यूशन से भाई पूरी बातें ये जो है नीचे वो जो आगे उभर के आई। लोगों ने कहा कि फ्रांस में जो लोगों को बहुत आज़ादी मिल गई है, फ्रांस में लोगों को लिबर्टी मिल गई है, हैं तो ये पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल रहा था। अब जब जहाँ पे नेपोलियन कोड लग गया था, उसमें नेपोलियन कोड में एक सबसे बड़ी कमी क्या थी कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को अलाउ नहीं किया गया था, मतलब सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। मेन विदाउट प्रॉपर्टी वोट नहीं कर सकते थे, औरतों को भी और वोट के अधिकार से बाहर कर दिया था, खाली जिनके पास प्रॉपर्टी है टैक्स वैक्स देते थे उन लोगों को वोट देने का अधिकार था। मतलब तो ये लिबरल लोगों को पसंद नहीं है कि भाई ये तो गलत हो रहा है, मतलब है क्या कि हम लोग नहीं कमाते हैं, बहुत पैसा नहीं कमाते हैं, तो इसका मतलब हाँ थोड़ी ना कि हमको जो है आज़ादी का अधिकार नहीं है, हम इस देश में नहीं रह रहे हैं, हम इस देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको भी थोड़ी सी आज़ादी मिलनी चाहिए। वुमेन वर मेड सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ मेन, इस समय जो है औरतों को ऐसा मानता था कि उनको पुरुषों के कंट्रोल में रहना चाहिए। बहुत गलत बात है ऐसा भाई, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि किसी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं, मतलब ये कंट्रोल वाली बात जो है हमको अच्छी नहीं लगती। मार्केट्स वर नॉट फ्री एज द 39 कन्फेडरेसीज ऑफ फ्रांस एंड हैड देयर ओन लॉज विच पोज्ड प्रॉब्लम्स फॉर द फ्री मूवमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मार्केट उस समय फ्री नहीं थी, तो ये सब लिबरल लोग पसंद नहीं करते ये सारी बातें। अब देखो लिबरल कौन है, ऐसे आइडिया बना लो कि लिबरल वो लोग थे जो इन सारे कंसर्न से क्या थे, मतलब इन सब बातों को लेके काफ़ी परेशान रहते थे, वो इनको दूर करने की बातें करते थे, वो चाहते थे कि ये सब चीज़ें हट जाएँ और आज़ादी इक्वलिटी सबके लिए बराबर तरीके से आ जाए। ठीक है, देर वर नो स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट एंड नो फिक्स रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज विच ग्रेटली इफेक्टेड दी ट्रेड। एक और बात है कि स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट तो खैर ये भाई साहब लेकिन नेपोलियन भाई साहब लेके आए थे, लेकिन उनके पहले की स्थिति ये थी कि वहाँ पे स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम नहीं था, कोई फिक्स रेट किसी चीज़ का जो है नहीं हुआ करता था, तो ये मतलब ट्रेड को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता था, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ कंजर्वेटिज्म क्या है। कंजर्वेटिव्स वांटेड द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी एज सच एज द मनार्की द चर्च सोशल हायरार्कीज एंड फैमिली अलॉन्ग विद द मॉडर्न चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन, है ना। तो ये कंजर्वेटिव्स वो लोग हुआ करते थे जो नेपोलियन ने सबसे बड़ी जो है बात की थी, उसने मनार्की को रीस्टोर कर दी थी, तो इससे कंजर्वेटिव लोग काफ़ी खुश हो गए थे कि बड़ा बढ़िया काम किया है, अब फिर से राजा का राज होगा, है ना, अब फिर से जो है मतलब जो लोग राजा के करीब थे उन लोगों को लगा कि नहीं ये हवा मज़ा आ गया। जैसे आजकल होता है ना कि अगर किसी खास पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोगों की सरकार आ जाए तो वो लोग जो है बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाना शुरू कर देते हैं, तो वही स्थिति थी वहाँ भी कि क्या नाम है उस समय कंजर्वेटिव लोग क्या थे, उनको लगता था कि नहीं ये जो पुरानी परंपरा है, ये जो पुराने तौर तरीके हैं, ये जो चले आ रहे हैं, इनको हटाना नहीं चाहिए, हटा देंगे तो मामला बदल जाएगा, बवाल आ जाएगा, ज़्यादा आज़ादी ठीक नहीं। जैसे आज के समय में ना अक्सर इस बात को तमाम सी बातों को लोगों के लेके डिस्कशन चलना रहता है आज़ादी को लेके कि आखिर में फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों को कितनी तक दी जानी चाहिए, कहाँ तक दी जानी चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में कई बार लोग काफ़ी उल्टा सीधा भी कुछ कर जाते हैं, कुछ जो है भाई कुछ भी बोल जाते हैं। तो ये वहाँ पे भी बातें कंजर्वेटिव्स को लगता था कि नहीं ये गलत है, इतनी आज़ादी लोगों को मिलनी ठीक नहीं, इतनी आज़ादी अगर मिल जाएगी तो लोग सर पे चढ़ जाएंगे और ये अच्छा नहीं है। तो कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि नहीं जो पुरानी व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरीके से रीस्टोर रहें, वैसे ही रहें, और नेपोलियन के आने से वो लोग काफ़ी खुश भी हो गए थे। ठीक है, कंजर्वेटिज्म एज अ पोलिटिकल आइडियोलॉजी अरोज आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। अच्छा, ये जो है नेपोलियन के डिफीट के बाद और थोड़ा सा जो है लोगों के अंदर भर गई, उनको लगा कि नहीं भैया अब ये बहुत गलत हो रहा है, कंजर्वेटिज्म जो है मतलब जो है मोनार्की सिस्टम और जो पहले जो सिस्टम चल रहा था ये एकदम सही था, उसको चलते रहना चाहिए था। ठीक है, नेपोलियन भाई साहब भारतीय कब 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू की लड़ाई में जो है बेचारे हार जाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से भाग जाते हैं। द कंजर्वेटिव रिजाइम्स वर ऑटोक्रेटिक, और अगर कंजर्वेटिव रिजाइम की बात करें मतलब उनके राज्य की बात करें तो ऑटोक्रेटिक थे, मतलब
अपने मन का रूल करते थे ना, जनता से कोई उन्होंने लेना देना नहीं था। वर इनटॉलरेंट एंड टू क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, और राजा की अगर कोई क्रिटिसाइज कर दे या फिर राजा के लोगों को क्रिटिसाइज कर दे तो लो फांसी पर चढ़ा दो इसको, है हमारे खिलाफ कुछ बोलेगा, तो ये वाली स्थिति हुआ करती थी। मतलब जो है जो कंजर्वेटिव्स जब रूल हुआ करता था तो वो लोग इनटॉलरेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, कोई उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। अडॉप्टेड द सेंसरशिप ऑफ प्रेस फॉर कर्बिंग द लिबरल आइडियल्स। यहाँ ये लोग भी देखो, नेपोलियन ने भी सेंसरशिप लगाई थी, ये लोग भी मतलब वही पूरी बात है। नेपोलियन भी एक तरीके से थोड़ी सी फ्रीडम की बात जरूर करता था पर कंजर्वेटिव आइडियाज जो है उसके अंदर थे, सेंसरशिप लगा दिए थे ताकि जो है कोई भी लिबरल आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा फ्रीली एक्सप्रेस ना कर सके। डिस्करेज्ड एनी क्वेश्चंस दैट चैलेंज देयर लेजिटिमेसी, और जो है ऐसे सवालों को एकदम से बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करते थे जो उनके जो है लेजिटिमेसी, उनके राज्य के ऊपर, उनकी पावर के ऊपर, उनकी ताकत के ऊपर क्या करे, चैलेंज करे, है ना भैया। ऐसा सवाल पूछ लियो तो अगले दिन जाओ तुमको अंदर कर देंगे, लोगों को पता भी नहीं चलेगा, गायब कर देंगे, ऐसा गायब करेंगे पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गए, है ना। तो ये थी मतलब जो है स्थिति पूरे यूरोप की, कि किस तरीके से जो है यूरोप में कैसे कैसे लोग हुआ करते थे, कंजर्वेटिव्स कौन थे, लिबरल कौन हुआ करते थे, है ना। लिबरल का मतलब बेसिक खुली सोच के, कह सकते हो खुली सोच के लोग, है ना, जो आने वाले बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं, नई चीज़ों को पसंद करते हैं, है ना। और कंजर्वेटिव मतलब जो बंधी हुई सोच के लोग हैं कि नहीं ऐसा ही तो ऐसा ही होना चाहिए, है ना, हम लोटा में पानी पीते हैं तो लोटा में ही पानी पियेंगे, गिलास में पानी नहीं पियेंगे, तो ये वाली सोच के लोग जो होते हैं वो कंजर्वेटिव कहलाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जो है, अब हम लोग अगले चौथे पार्ट में अगला वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग पढ़ाई में डीसी, और अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो जो है कमेंट बॉक्स में बता देना, उसको हम जवाब दे देंगे, ठीक है।